गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वंदना रावल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस लगातार 10 वर्षों से 100% परिणामों के साथ यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल युग में डिजिटल शिक्षा की दिशा व दिशा बदलने के लिए यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल कक्षा 10वीं और 12वीं RBSE बोर्ड के विद्यार्थी सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ RBSE बोर्ड क्लास 10th रिजोल्यूशन बुक 2nd इंग्लिश लेसन 7 द मैन हु न्यू टू मच पेज 42 से। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपोर्ट। मैं पहली बार प्राइवेट क्वेल्च से ट्रेनिंग डिपोर्ट पे मिला। अ मैन इज लाइबल टू एक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ की पहले वीक में ही टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म अपनी यूनिफॉर्म के साथ राइफल एंड इक्विपमेंट एक निकनेम भी। एनीवन हु सा प्राइवेट क्वेल्च, जो भी प्राइवेट क्वेल्च को देखा था, लैंकी स्टूपिंग फ्रॉनिंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स और उसके एक स्पेक्टेकल्स था हॉर्न रिम्ड वाले, अंडरस्टूड व्हाई ही वाज नॉन एज अ प्रोफेसर, जिससे ये पता लग जाता था कि उसे लोग बाग प्रोफेसर क्यों कहते हैं। दोज हु हैड एनी डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट्स, किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट पे कोई डाउट हो, लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स कन्वर्सेशन विद हिम, तो उससे बात करने के बाद 5 मिनट में ही वो डाउट दूर हो जाती। आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्केट्री, जब हमने मस्केट्री का फर्स्ट लेसन लिया, वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्कल वाइल अ सर्जेंट अ मैन डार्क एंड सन ड्राइड एज रेजिंस, एक डार्क काले रंग का व्यक्ति जो कि जैसे रेजिंस मीन्स दाग, जैसे अंगूर सूख के दाग हो जाते हैं उसी तरह सूखा व्यक्ति, वियरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, जिसने नॉर्थ वियर फ्रंटियर रिबन्स पहन रखे थे, डिस्क्राइब्ड द मैकेनिज्म ऑफ अ सर्विस राइफल, और वो सर्विस राइफल के मैकेनिक के रूप में आया था। द मजल वेलोसिटी और स्पीड, जो उसकी वेलोसिटी थी और स्पीड थी एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, कि जिस पर एक बुलेट राइफल को छोड़ती है, ही टोल्ड यू, उसने बताया, इज रेल ओवर 2000 पर फीट पर सेकेंड, कि उसकी स्पीड होती है 2000 फीट पर सेकेंड। अ वॉइस इंटरप्टेड, तो फिर एक आवाज़ जिसने उसे रोका, 2450 पर फीट पर सेकेंड, कि नहीं 2000 नहीं होती, 2440 फीट पर सेकेंड उसकी स्पीड बुलेट की होती है जब वो राइफल से निकलती। इट वाज द प्रोफेसर, और ये बोलने वाला प्रोफेसर था। दैट्स राइट द सार्जेंट सेड, सार्जेंट ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, विदाउट एंथुसियाज्म एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, बिना किसी उत्साह के वो लेक्चर देता रहा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर दिया, ही पुट क्वेश्चन टू अस, उसने हमसे एक क्वेश्चन किया, एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज, शायद वो उस चीज़ का बदला लेना चाहता था। ही टर्न्ड विद हिज क्वेश्चंस, उसने अपने क्वेश्चंस के साथ जब वो टर्न हुआ, अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर, और वो हमेशा प्रोफेसर की तरफ ही इंडिकेशन पे रहा। द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, लेकिन उससे प्रोफेसर्स की गोली, जब उन्होंने सही आंसर दिए तो प्रोफेसर्स की गोरी ग्लोरी प्रशंसा और बढ़ी। टेक्निकल डेफिनेशन द पार्ट ऑफ राइफल, जब उसने टेक्निकल डेफिनेशन पार्ट ऑफ राइफल की पूछी, इट यूज एंड केयर, उसके यूज एंड केयर के बारे में पूछा, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट, तो उन्होंने वो सब जवाब अपने दिल से दिए। द सार्जेंट आस्क्ड यू हैव एनी ट्रेनिंग बिफोर, तो सार्जेंट ने पूछा कि क्या आपने पहले कोई ट्रेनिंग ली है। द प्रोफेसर आंसर्ड विद फ्रेज,
तो प्रोफेसर ने एक फ्रेज के साथ उसका जवाब दिया, देट वॉज टू बिकम अ फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, जिससे वो हम सबके बीच में फेमिलियर हो गए, जाने पहचाने। नो सार्जेंट, इट्स ऑल अ मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस रीडिंग, कि यह मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, कि यह केवल इंटेलिजेंट रीडिंग का ही मैटर है कि मुझे इनके की जानकारी है। देट वॉज अवर इंट्रोडक्शन टू हिम, ये हमारा उनसे पहला इंट्रोडक्शन था। वी सून लर्न अबाउट हिम, जल्दी ही उनके बारे में जाने। ही सा टू दैट ही मीन्ट टू गेट ऑन, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया। ही हैड ब्रेन्स, कि उसके अंदर ब्रेन थे। ही वॉज श्योर टू गेट कमीशन, और उसे कमीशन जरूर मिलेगा। बिफोर लॉन्ग, जल्दी ही। एज अ फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट अ स्ट्राइप, इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, और इसी आशा में वो बहुत कठिन मेहनत करता। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर देट, और हम भी उसके क्रेडिट देते। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड स्टेड अप लेट, वो मैनुअली ट्रेनिंग लेता एंड स्टेड अप लेट, और लेट तक एट नाइट रीडिंग देम, और उनके बारे में पढ़ने के लिए वो लेट नाइट तक जागता रहता। ही बेडगर्ड द इंस्ट्रक्शंस विद क्वेश्चन, वो हमेशा इंस्ट्रक्शन को क्वेश्चन के साथ एक्सेप्ट करता लेता। ही ड्रिल्ड विद एंथुजियाज्म, वो जोश से रहता। ही रूट मार्च, जब रूट मार्च करता। ही वाज नॉट ओनली मिरेकुलसली टायरलेस बट इन्फ्यूरेटेड अस, वो बहुत मिरेकुलसली टायरलेस, मतलब उसे थकान भी नहीं होती। इन्फ्यूरेटेड अस ऑल विद अस होराइबल हार्टनेस, और हार्ट, और हम बिल्कुल हॉराइबल तरीके से उसे दिल से देखते। वाट अबाउट अ सॉन्ग चैप्स, जो गीत है, इज नॉट ग्रीटिंग पोलाइटली एट द एंड ऑफ द 30 miles, जो 30 miles के एंड में वो हमें गीत के से जोश देता बढ़ने के लिए। ही सल्यूट एट द पे टेबल, और उसको पे टेबल पे सल्यूट होता। अ मॉडल टू बीहोल्ड, मॉडल होने के लिए हमारा। When officers were in sight, he would swing his skinny arms. जब officers साइड पे होते तो वो अपनी टांगें and march to canteen like guardsmen. तो उनके साथ guardsmen की तरह canteen तक जाता। And day in and day out. एक दिन and day, दिन में और दिन के बाद he lectured or to us on his ड्रोनिंग रिमोर्सलेस वॉइस, वो अपनी रिमोर्सलेस और वॉइस के ऊपर लेक्चर देता। ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जो भी एस्पेक्ट किसी भी क्षेत्र के बारे में, आप उससे ह्यूमन नॉलेज के बारे में जानकारी लो। एट फर्स्ट वी हैड सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम, पहले तो हम उसके लिए सिर्फ रेस्पेक्ट ही रहते थे। बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, लेकिन फिर हमें उसके आगे बढ़ने की, उसके अप्रोच की से टेरर होने लगा, डर लगने। वी ट्राइड टू हिट बैक हिम, हम उसे पीछे करना चाहते थे। विथ क्लमजी स्कार्स एंड प्रैक्टिकल जोक्स, हम उसके जोक बना के। द प्रोफेसर स्केयर्सली नोटिस, लेकिन वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था जो हम उसके मजाक बनाते थे। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्राइप, वो अपनी स्ट्राइप के लिए बहुत बिजी रहता था। ईच टाइम वन ऑफ अस मेड मिस्टेक्स, द प्रोफेसर वुड प्रोबेबली करेक्ट हिम, कभी भी हम कोई गलती करते तो प्रोफेसर उसे करेक्ट कर देता। वेन एवर वन ऑफ अस शोन, द प्रोफेसर आउट शोन हिम, जब हम शो करते तो आउट शो उसे आउट ऑफ शोन कर देता। वेन आफ्टर हार्ड मॉर्निंग वर्क क्लीनिंग आउट आवर हट, जब हम सुबह हमारे हट की सफाई करते। वी लिसनड इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर प्रेस, द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद रिंगिंग ड्यूटीफुली ब्रीमिंग थैंक यू सर, जब ऑफिसर्स उसकी तारीफ करते और वो थैंक यू सर कहता तो हमें सुनाया देता। एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडेंसनिंग ही वॉज, वो कितना सुपीरियर था, कितना कंडेंसनिंग था। इट वॉज ऑलवेज, हमेशा की तरह। लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, और नो यू विल ड्यून योर राइफल दैट वे,
ये मुझे बताओ मैं करता हूँ वरना तुम अपनी राइफल ख़राब कर दोगे, इस तरह से उनसे बात करता। इसी के साथ यहीं तक नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। YouTube चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।